हेलो गाइस, तुम लोग देख रहे हो ना कैसे करके ट्रेन वाला चल रहा है। देखो ये चलते चलते अटक जा रहा है, तो देख रहे हो ना इसको फिर से उठा के आवार चलाना पड़ता है। तुम लोग देखो इसका एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मिट्टी में चल रहा है ना, इसका एक ट्रैक लाइन जरूरत था, लेकिन क्या है ये इसमें चल रहा है तो देख पा रहे हो ना, और फिर बंद बंद हो जाएगा ऐसे। वो सामान जगह में मिल गया तो ऐसे ऐसे घूमने लगा अकेला, देख रहे हो ना लाइटिंग फाइटिंग भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब देखो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। देखना एक ट्रेन, फिर देखो एक खाली वाला कार है, इस कार को ऐसे पीछे वाला डोरी खींचूँगा तो रस्सी खींचूँगा तो आगे चल जाता है, लेकिन अटक जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो मिट्टी में नहीं चल पा रहा है, ये है दिक्कत है। और रिमोट कंट्रोल का कार होता तो अकेला अकेला चल जाता है। देखो ये पीछे धक्का देना पड़ रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। तो दोस्तों देख लो ना कैसे करके नहीं चल रहा है, ये है इसका प्रॉब्लम। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग भी ये इसको पीछे देना पड़ रहा है, देखा ना ये है इसका प्रॉब्लम। और ये एरोप्लेन है, और ये है बड़ा बड़ा ट्रक है, तो देखते हैं किस कौन कैसे चलता है। ये जैसे वाला भी ट्रक वाला धीरे धीरे चल रहा है, उसको रस्सी खींचता हूँ भी नहीं चल रहा है। देखो ऐसे धक्का देना पड़ रहा है, फिर चल चलता रहता है। ये है रस्सी का प्रॉब्लम, इसका दाना टूट गया, एरोप्लेन का दाना टूट गया, वो भाग गया इधर, तो दाना टूट के रह गया। तो इसको फिर से हम सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद इसको फिर रेडी करेंगे। लेकिन रिमोट रिमोट ये होता तो अच्छा होता, इसमें क्या होता है हाथों से कंट्रोल करना पड़ता है, ये तो रस्सी खींच के करना पड़ रहा है ना, बहुत दिक्कत होता है चलाने में। तो तुम लोग भी अगर कोई भी कुछ खरीदो तो रिमोट वाला एरोप्लेन खरीदना, क्योंकि ये है प्रॉब्लम, देख रहे हो ना ये वाला प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग भी रिमोट रिमोट वाला कार, रिमोट वाला एरोप्लेन, रिमोट वाला बैटरी वाला ये खरीदना, क्योंकि इसमें अच्छा नहीं है, ये कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होता है, नहीं ऊपर में नहीं चल पाता है, वो नीचे नीचे में चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखो इतना तक जाके भाग के, अगर रिमोट होता तो जहाँ भी चाहता है वहाँ तक चल जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा तुम लोग भी अगर रिमोट वाला एयरप्लेन लोगे तो अच्छा है, इधर से उधर जाके घूमेंगे तो आपका मन होगा कि हम उधर लेके जाएंगे इधर लेके जाएंगे, नहीं हो पा रहा इधर पर पीछे से धक्का देने से वो उधर जाके अटक गया। देख पा रहे हो ना कैसे कैसे करके इधर उधर जाके वो अटक गया। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ अगर रिमोट वाला कार खरीदो तो अच्छा होगा, ये रस्सी वाला कार ठीक नहीं हो पा रहा है, इधर उधर जाके मिट्टी में अटक जा रहा है। वो सामान वाला होता तो सीमेंट वाला मेजे होता तो अच्छा होता, फ्लोर होता तो अच्छा होता, देखो ना यही है मेरा प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ अगर रिमोट वाला कार लोगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोग भी रिमोट वाला कार बा ये वाला कार खरीदना। ये देखो ना ये बड़ा वाला कार है, कोई नई रस्सी है और ना कुछ है, ये वाला सुविधा का एक मज़ेदार ये है, साउंड अच्छा है इसका जो साउंड सिस्टम, लेकिन ये माल ले लेके जाने में आने में ये अच्छा है, लेकिन ये छोटा वाला ट्रक से बड़ा वाला ट्रक अच्छा होता है, लेकिन ये टूट वाला रहने वाला वो चक्का टूट गया। तो देख रहे हो ना इसको मैं रिपेयर किया है अकेला, तो आप लोग तुम लोग भी रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू मेरा वीडियो को लाइक।